चलें जी, अभी हमारे पास कौन आया? नदीम भाई आपको पता है कौन? मेरी बेटी आई है, आपको पता है कौन है? फातिमा आई है। मुझे पंजीरी मिल गया। पंजीरी मैंने बनाना के लिए है। बोले एक बेटी तो नहीं खा रही थी, दूसरी बेटी खा रही है। नैना नहीं खाती एक चम्मच, बड़े मुश्किल से मैंने उसको बोला खा लो, आप भी इसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग नैना थोड़ा थोड़ा सा खा लो यार। मैंने कहा आप खा के देखें अच्छी है, लेकिन ये नहीं खा रही। आज तो आपका बुरा हाल हुआ। शाहरुख भाई की आवाज नहीं निकली आज। आपका ऐसे लगता है कि बस। और नैना भी बहुत खुश है, बेबी को लेने जा रही हूँ। और नैना भी जा रही? नहीं, नैना ने भी इनको कॉल। अरे बस नैना तो अब चार पाई बन गई बस। आज जैसे अच्छा माहौल बना हुआ लग रहा है, ऐसे खुशी खुशी रहे और हमारा बेबी भी आ गया, खुश खुश रहे। और नदीम भाई ने फातिमा का, हाँ ये जो मैंने सूट स्टिच किया ना, परी बन जाएगी, परी है ना फातिमा। चलो अभी नदीम भाई जो है बहुत अच्छे कपड़े जो है ना स्टिच करते हैं, बहुत प्यारे खूबसूरत। मेरा भी बहुत अच्छा किया है, मैं अपना भी शेयर करूंगी, दिखाऊंगी। मैं अपने बर्थडे का ड्रेस भी इनसे ही नदीम वाला से। भाई उसको हम नैना आप और हम और आप तो खैर पंजाब चले जाएंगे, आशियाना कपड़ा लेने में। हां वहां वहां सस्ता मटेरियल लेके और बड़ा सूट बनाएंगे। आशियाना से हम गए थे, नैना का सूट जो लिया वो आपने देखा ना छट्टी वाला, वो आशियाना से लिया मैंने। अच्छा वहां से कपड़ा लेके आई हूं। फिर वहां महंगे से महंगा ड्रेस बनाओ तो वो बनता है, सस्ते से सस्ता बनाओ वो बनता है। ठीक है वहीं से लेंगे। चलती हूँ मैं शाहरुख के साथ बेबी को लेने। बेबी को अच्छे से लेके आना। लेके आती हूँ, फिर आप शाम में आना नदीम भाई। अच्छा बेबी के लिए ना ऐसा बॉक्स लो जैसे वो बिलाड़ी लेके घूमते है ना, वो काफी मजबूत होता है बेबी, उसे ठीक रहेगा। मैं सुबह से बहुत परेशान थी, जैसे फातिमा आई है तो थोड़ी खुश होगी। मेरे ऊपर इतनी गंदी वीडियो बनाई गई है ना नदीम भाई। छोड़ो छोड़ो, मैंने आपको पहले भी बोला है कि अगर व्लॉगिंग करनी है तो किसी को जवाब मत दो। अगर व्लॉग बनाने हैं ना अपने कंटेंट के अलावा किसी को जवाब मत दो, जो देता है उसको देने दो। क्योंकि आपको आपके जो देखने वाले लोग होते हैं ना, तो असल में हम एक बंदे को जवाब दे के उन 50,000 को सुना रहे होते हैं, तो ये नहीं होता सही। किसी को रिएक्शन बिल्कुल नहीं देना चाहिए, जो कोई किरदार खुशी करता है वो खुद दिखा। हाँ ठीक है। पहुंच गए हैं और अभी चलते हैं बेबी को लेते हैं। और चलेंगे हॉस्पिटल पहुंच गए हैं, तो अभी डॉक्टर ने बोला है कि अभी बेबी लेके हम बाहर खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं और बेबी को लेके चलेंगे तो चले जी। अभी मैं जा रही हूँ शाहरुख के साथ और कुछ सामान लेना है बेबी के लिए, तो वो लूँगी और लेके मैं आती हूँ वापस, और जो भी सामान है बच्चे का वो मैं लूँगी, फिर मैं वापस आऊँगी। और शाहरुख आ जाओ, तो शाहरुख खाला भी बैठी हुई है, आ जाओ शाहरुख चले। तो जी अभी मैं जा रही हूँ, कुछ सामान लेना है वो लेते हैं। और आप घर क्या आ रहे हो? अच्छा अच्छा
चले भाई अभी जो है ना हम आए थे बेबी के लिए कुछ सामान लेने, तो इतना ज़्यादा रश है और काफ़ी देर से रश में फंसे हुए हैं, इधर रुके हुए हैं, देखते कितनी देर तक जी। अभी मैं आई हूँ बेडशीट लेने बेबी के लिए, ब्लू कलर की और ये वाली मेहरून कलर की। तो दो बेडशीट मैंने ली हैं, गोल तकिए लूँगी और भी चीज़ें लूँगी बेबी के लिए। तो जो भी लेती हूँ तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करती रहूँगी। और ये वाली मैंने ले ली हैं दो बेडशीट। और सिला हुआ आपके पास मिल जाएगा इसके ऊपर जो लिहाफ होता है? बना के दे देते अभी, एक आधा घंटा लगेगा। नहीं नहीं अभी चाहिए। तो इधर कहीं मिलते हैं वो इसके ऊपर का लिहाफ रेड कलर में दिखा है, सिले हुए हैं। हाँ रेड भी हो तो कोई नहीं, अच्छा है ये वाला साफ। और देखो और है रेड कलर के, साफ भी रेड। एक है, दो है नहीं? अच्छा खोल के दिखा, इसको झाड़ो तो सी बहुत मट्टी। और यहाँ से ले रही हूँ मैं बेबी के लिए मच्छरदानी और भी चीज़ें ले रही हूँ मैं। तो चलिए ये देखिए बिस्तर भी बहुत अच्छे खूबसूरत लग रहे हैं बेबी के। और ये वाला भी अच्छा खूबसूरत है। अभी जो है नैना को मैंने खाना दिया, मैंने कहा आप खाना खाएं, बैठी थी खाना खाएं और गोलियां दी हैं, गोलियां भी खा ली थी। अभी एक बज रहा है और नैना ने बोला मुझे थोड़ी सी वॉक करनी, मैं थोड़ी सी वॉक करूं। तो शाहरुख जो है ना उसको सहन में वॉक करवा रहा था, तो उसका अचानक टांकों से जो है ना पानी निकलने लगा, तो वो रोने लगी और कहती है कि मेरी अम्मी तबीयत ख़राब हो रही है, इतनी टेंशन करवाई है ना है। और सारा दिन बस यही बात कर रही थी, मैंने कहा कुछ नहीं आप चुप करो आप चुप करो। और मैं वीडियोज़ भी बना रही थी, दूसरे कमरे में बना रही थी, उसके सामने मैंने कोई भी बात नहीं की। और जो है ना बहुत परेशान हूँ मैं बहुत ज़्यादा। अभी बेबी को घर लेके आए थे और उनके हाथ में अभी भी कैनोला लगा हुआ है, तो घर पे दवाइयाँ दे रहे। और इसके बाद जो है नैना की तबीयत ख़राब हो गई, पता नहीं हमारी खुशियों को नज़र लग गई है क्या हुआ है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा और बहुत परेशान हूँ मैं। और अभी मैंने फ़ोन किया है बाबर, और बाबर को बोला गाड़ी लेके आए, गाड़ी लेके आ रहा है। और शाहरुख और नैना को आस्ता आस्ता सीढ़ियों से उतारा है और वो गाड़ी में बैठ के गई हैं। सब दुआ कीजिएगा कि अल्लाह नैना को सेहत वाली ज़िंदगी दे और परेशानियों से बचाए, तो बहुत सारी दुआ कीजिएगा सबको। बस यही कहना चाहती हूँ, सब दुआ कीजिएगा। और अभी मैंने शाहरुख को कॉल की है, मैंने कहा डॉक्टर ने क्या बोला है, क्योंकि मैं नहीं गई हूँ साथ में और बेबी मेरे पास है तो मैं घर पे थी। और शाहरुख ने बोला कि वो डॉक्टर जो है ना आधा घंटा लेट है, आ जाएंगी थोड़ी देर में, आ जाएंगी आधे घंटे के बाद ही आएंगी। तो मेरे ख्याल ऑपरेशन कर रही हैं कुछ ऐसा बोला है, और वो आएंगी तो चेक करती हैं
लेकिन अचानक से ना टांकों से पानी आने लगा तो वो मैं बहुत डर गई, पता नहीं क्या हुआ है। अल्लाह खैर करे, अल्लाह सेहत वाली ज़िंदगी देने ना को, आमीन सुम्मा। क्या बोला शाहरुख डॉक्टर ने? उन्होंने बोला कि पता नहीं समझ तो नहीं है उन्होंने, मतलब डॉक्टर थी ही नहीं ना। हाँ, डॉक्टर ऑपरेशन पे गई थी, नर्स थी। अच्छा, तो नर्स को समझाया इसको ये चीज़ें लगा दो, तो इसके लिए ये बस ऑन लेट वन पट्टियाँ हैं, पट्टियाँ लगाई हैं इसके पेट पे, पट्टी लगाई है जहाँ से मतलब हो रहा था। हाँ, ये बायोटिन लगाया है, ये सब चीज़ें, ये जो है वैसलीन वाली पट्टी दी ताकि उतारने में दर्द ना हो, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने दी हैं। कह रहे हैं अभी भी कोई फ़र्क ना पड़े तो फिर आपको फिर कल आना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, सही सही, अल्लाह खैर करेगा, ठीक हो जाएगा सब।